फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल को एक ही बार में बूस्ट कर सकते हैं, आपका चैनल ग्रो लेवल पे जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मेरा एक दिन के अंदर ही इतने सारे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं मैंने, जो कि मेरा ब्लॉग चैनल है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपका चैनल भी व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं लेकिन हमारे चैनल कभी भी वायरल नहीं होती है। हम सोचते हैं कि आखिर क्या रीजन है। यूट्यूब पे आप लोग रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखते होंगे लेकिन इस तरह की वीडियो अभी तक आपको नहीं मिले होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल नहीं होती है, हाई रैंक पे नहीं जाती है। जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल में इस वीडियो इस चैनल में जाके अगर आप देखेंगे तो मेरे भी कुछ वीडियोस हैं जिसपे बहुत ही कम व्यूज आए हैं, जो कि वायरल नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने वीडियोस को अपलोड करना बंद कर दिया हूँ। और मैंने जो ट्रिक आजमाया जिसकी वजह से मेरी वीडियो वायरल हुई है, वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी वीडियो में उसको SEO करिए, देखिए आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने क्या ट्रिक किया था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ट्रिक आजमाया था वो ट्रिक ये था कि मैंने जो अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन था, मैं पहले वीडियो अपलोड करता था तो उसमें डिस्क्रिप्शन कुछ अपने तरीके से डाल देता था। तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन को चेंज किया, अब उसमें थोड़ा सा लिंक को ऊपर नीचे करके रखा। उसके बाद मैंने उसमें वीडियो के बारे में बताया कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसमें हैशटैग लगाया। ये सारी चीजें मैंने करने के बाद मैंने 4-5 हैशटैग खुद से यूज किए, जो कि मेरा मैंने खुद बनाया अपने हिसाब से। मैंने उस हैशटैग को यूज किया तो मेरी वीडियो आप जाके देखेंगे कि वो हाई रैंक पे चल रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये YT स्टूडियो में बता रहा है कि ये मेरी वीडियो अभी भी ग्रो लेवल पे जा रही है और इस वीडियो पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इसकी वजह से गेन हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी 2-4 वीडियो ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये वाली वीडियो भी मेरी ग्रो लेवल पे है और बहुत सारी वीडियो मेरे इसी तरह से ग्रो लेवल पे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें मेन होता है SEO। SEO आप किस तरह से करते हैं कि आपकी वीडियो में SEO सबसे मेन टॉपिक हो गया। SEO का मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं, हम लोग सोचते हैं कि विदाउट डिस्क्रिप्शन की से भी हमारी वीडियो वायरल हो सकती है, होता है लेकिन 100% में 2% ही ऐसा चांस होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन लगाते हैं उसमें फर्स्ट आप पहले जा करके अपना जो कि टाइटल जो आपके प्रोफाइल पे है उस टाइटल को कॉपी करिए, जिससे कि ये यूट्यूब को लगे कि हाँ, इसने इसी रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसकी वजह से डिस्क्रिप्शन में इसी के बारे में लिखा गया है, उसे कॉपी करिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के नीचे अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो उन सबका लिंक आप नीचे शेयर करिए। अगर आपका कोई अदर्स भी एक यूट्यूब अकाउंट है तो आप उसका लिंक नीचे डाल दीजिए कि माय सेकंड अकाउंट चैनल ब्लॉग्स, उसको डालिए। फिर उसके बाद आप लिखिए वीडियो अबाउट डाल करके आप वीडियो के बारे में लिखिए। जैसा कि आप टाइटल में बताए हैं वैसा ही सेम आप वीडियो के बारे में लिखते जाइए। वीडियो के बारे में लिखने के बाद आपको फिर नीचे आना है, वीडियो का जो कि टैग लगाना है। डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगता है लेकिन उसमें आपको कामा नहीं लगाना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में टैग लगाते हैं तो आप क्या करिए कि नंबर वाइज टैग लगा दीजिए, 10, 20, 30 ऐसा करके टैग लगाइए डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वर्ड लिखने को मिलते हैं तो इसलिए आप 10-20 डिस्क्रिप्शन तो ऐसे मजबूत लगा दीजिए जिससे कि आपकी वीडियो ग्रो लेवल पे जाए, सर्च करने पे सबसे पहले आए। और जो लास्ट में आता है, जो कि आप लोग देखते होंगे कि अगर हम किसी की वीडियो ओपन करते हैं तो उसके टाइटल के नीचे ही लिंक ब्लू कलर का दिखाई देता है, कोई भी लिंक हो, वो जो भी हैशटैग लगाता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप अपना सारा SEO करने के बाद एकदम लास्ट में हैशटैग लगाइए, जो भी आपको हैशटैग लगाना हो आपकी वीडियो के रिलेटेड से ही हैशटैग यूज करिए, जो कि बहुत ज्यादा सर्च लेवल हो। कुछ ऐसा हैशटैग लगाइए जिसकी कि आपकी वीडियो ग्रो लेवल पर जाए। तो मैं यही कहूंगा कि आप लास्ट में जाके हैशटैग लगाइए। और जो टैग्स होते हैं, टैग्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप टैग्स यूज करते हैं तो कुछ ऐसे ही टैग्स लगाइए जो कि बहुत ज्यादा सर्च हो रहे हैं। तो टैग्स का मतलब ये है कि आप जो टैग लगा रहे हैं, आप जो टाइटल लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं,
उसी से रिलेटेड उसी से उठा करके आप टैग को उसमें पेस्ट करिए, उसके बाद कुछ अपनी तरफ से भी उसमें टैग ऐड करिए, जो भी आपका चैनल का नाम है उसको तो आप जरूर ऐड करिए, जिससे कि आपका कोई चैनल सर्च करे तो कीवर्ड पे वो सबसे पहले आएगा, मतलब प्रोफाइल पे वो सबसे पहले दिखेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप टैग को भी डिस्क्रिप्शन टाइटल्स में देख के अपने हिसाब से जैसी आपकी वीडियो है वैसा ही टैग यूज करिए, देखिए आपकी 100% वीडियो वायरल होगी। और जो कि लास्ट है, लास्ट में यही बताऊंगा कि लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट थंबनेल होता है। थंबनेल ये होता है कि क्लिक, जो आपके प्रोफाइल पे क्लिक करता है, जाके चेक करता है, तो स्टार्टिंग में ही अगर उस बंदे को ये लगा कि हाँ इनकी वीडियो बहुत ही खास है, देखने के लायक, नॉलेजेबल है, तो आपकी वीडियो को पूरा वॉच करेगा। और हम लोग का थंबनेल ही ऐसा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जैसे कि देखते हैं कुछ लोग वीडियो में कुछ और थंबनेल में कुछ और बता देते हैं, तो इससे उन लोगों को काफी गालियां भी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो आप वीडियो बनाते हैं उसी से रिलेटेड आप थंबनेल रखिए, जिससे कि आपकी वीडियो का जो कि 4000 घंटे, और उनको अगर आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आती है तो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप कुछ ऐसा थंबनेल रखिए जिससे कि आप पर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो और आपकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, आपकी पूरी वीडियो को वॉच करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।